हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना घर बना रहे हैं, सपनों का घर बना रहे हैं, तो किससे बनवाएं? मुझसे? मुझसे नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर से या डेली लेबर से? तो कॉन्ट्रैक्टर तो आप आज आपको गली गली में मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, डेली लेबर्स भी हैं, बट किससे बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि घर बार बार नहीं बनता, एक बार बनता है। आपकी मेहनती कमाई उसके पीछे लगी होती है, तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि आपका जो मेहनती कमाई है कोई आके ऐसे ही लेके चला जाए, और बदले में जो घर है वो भी अच्छा ना बने, ड्यूरेबल ना बने, ज्यादा दिन तक ना चले, कुछ साल बाद ही उसका सारा प्लास्टर व्लास्टर सब झड़ना चालू हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किससे बनवाएं और सही तरीका क्या है बनवाने का घर। तो इस वीडियो को मैं आज पूरा क्लियर करूंगा यहाँ पे। इससे पहले मैं बता दूं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर देख लीजिए, ये हो गया डेली लेबर, और इधर आ गया आपका कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलते हैं जो आपके घर को खुद बनाएगा। आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा, सिर्फ पैसा देना है आपको, सारा टेंशन उसका, बस आपको जाना है और जब बन जाएगा तब जाकर रह लो। लेकिन जब डेली लेबर का हो जाता है तो सारा हेडेक आपके ऊपर आ जाता है, ये जान के रखिएगा, सारा हेडेक आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब है और ये अच्छा है, या ये अच्छा है ये खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही खराब है। कैसे बताता हूं। सबसे पहला चीज, अगर आपके पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी है, ठीक है, मतलब आप बहुत इधर उधर बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि ये आपका अगर घर बन रहा है तो आप जाके देखो उसको, मॉनिटरिंग कर पाओ, तो भूल ही जाइए कि आप डेली लेबर से काम करवाओगे। आप सीधा चल जाओ कॉन्ट्रैक्टर के पास, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना जिसके पास एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना हुआ हो। पैसा थोड़ा ज्यादा लेगा बट आपको बनाकर दे देगा, क्योंकि आपका कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपके पास अगर लेस टाइम है तो आपको चुनना है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और आपके पास टाइम बहुत है, मतलब फ्री ही रहते हो, आप काम अपना देख पाओगे, तो आपको चुनना है डेली लेबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए, अगर आपके पास घर का नॉलेज है अच्छा खासा, घर कैसे बनेगा आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, सब चीज है, तो आप डेली लेबर पे जाओ, तब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप जैसा चीज चाहोगे वैसा चीज उभर के आएगा, निकल के आएगा। मटेरियल के बारे में सारा चीज रिक्वायर आपको जरूरत, मतलब पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है ना, तो आप डेली लेवल पे ही जाओ, आपको बहुत पैसा बचेगा। और जितना डेली लेवल पे आप खुद के नॉलेज से सब कुछ भाग भूग के आप बना लोगे घर, उससे उसका डबल पैसा लगता है आपका कॉन्ट्रेक्टर में, ज्यादा पैसा लगता है वहां पे। वही है कि आपका हेडेक नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, सब कुछ आइडिया है, सब कुछ है, तो आप डेली लेवल पे ही बनवाओ, आप खुद से बनवाओ। ठीक है, तो ये तो एक हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, घर बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए अगर आप डेली लेबर में बनवा रहे हो। तो डेली लेबर में अगर बनवा रहे हैं तो आपको लगेगा रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज। इस केस में नहीं लगता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास सब कुछ है, इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, नहीं भी है तो उनका तो नॉलेज होगा ही, एक्सपीरियंस वाले लोग का, क्योंकि इतना सारा घर बनवाया है तो नॉलेज है ही उनका। बट अगर आप बनवा रहे हो तो आपको नॉलेज लगेगा, टेक्निकल नॉलेज लगेगा, कहाँ पे क्या चीज कम करना है, कैसे ज्यादा करना है, वरना डेली लेबर वाले आपको पूरा घुमा घुमा के सब पैसा लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज तो आपको लगेगा ही घर बनाने में। डेली लेबर में जब आप काम करते हो तो आपको मटेरियल सबका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कि अच्छा मटेरियल कहाँ पे मिलता है और कौन सा मटेरियल अच्छा है आपके घर के लिए। मटेरियल का पहचान आपको सही होना होगा, नहीं तो खराब मटेरियल लाओगे, डेली लेबर वाले इसको ऐसे ही, डेली लेबर वाले तो ऐसे ही थोड़ा काम खराब करेंगे, तो और कम भी करते हैं, तो मटेरियल का पहचान आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मटेरियल का पहचान होना आपका जरूरी है,
खरीदना भी आप ही को पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आपको परचेज करना होगा, मटेरियल क्वालिटी भी सर आपको चेक करना होगा। बट कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हो तो आप 80% तो मान के चलिए आपका जो मटेरियल है वो सही नहीं होने वाला, सही नहीं होने वाला। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, आपको अच्छा सामान देकर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करने के लिए नहीं बैठा है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर है नए नए जब चालू करते हैं तो हो सकता है अच्छा मटेरियल आपको दे दे। तो आपका अगर जान पहचान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, फैमिली से रिलेटेड है, बहुत अच्छा जान पहचान कोई रिलेशन है, तभी दीजिए। हाँ ठीक है, कोशिश कीजिए कि मटेरियल आप सप्लाई करो, ऐसा भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप सप्लाई करो, मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा बता दो, तब जाके काम करवाओ। उसको मटेरियल देने मत दो, नहीं तो वो तो मारेगा ही आपका पैसा। ठीक है, आप अपना घर अगर बना रहे हो तो आपको पूरा बजटिंग करना पड़ता है, मतलब सब चीज से, मटेरियल में कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा, उसमें कितना लगेगा, फलाना मटेरियल में कितना, लेबर में कितना लगेगा, पानी का कॉस्ट, बहुत कुछ है। तो पूरा बजटिंग आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए, प्राइस से मार्केट में जो प्राइस है उससे आपको उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। पर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का सारा हेडेक, वो जाके मार्केट से सब कुछ खरीदेगा, देगा सब चीज, उसको तो नॉलेज है ही। ठीक है, तो इसके बाद में पैसा भी तो ले रहा है, फोकट तो थोड़ी ना कर रहा है। तो रिक्वायर्ड डिटेल्स बजटिंग, जो कि इसमें जरूरत नहीं है। फिर आता है इसमें आपको डेली लेवल में मैन पावर अरेंज करने का एक बहुत बड़ा झमेला हो जाता है, मैन पावर, मैन मतलब जो डेली लेबर है उनके अपने ही नखरे हैं, आज ठंड हो गई, बारिश हो गया, काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है तो आपका घर का काम अटक गया, अरेंज करना बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है, अगर आपका अच्छा चैनल नहीं है, आपका अच्छा सोर्स नहीं है, जान पहचान नहीं है तो। बट कॉन्ट्रैक्टर के किस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो स्टिपुलेटेड टाइम दे दिया जाएगा, आपको 1 साल बाद घर मिलने वाला है तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें आप सोच लो, आपके हाथ में अगर नहीं रहेगा टाइम का, पैसा नहीं दोगे तो डेली लेबर वाले भाग जाएंगे, तो लेबर आपको अरेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। ठीक है, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी फिर भी आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, अगर आप डेली लेबर से बनवाना चाहते हो तो एक इंजीनियर या सुपरवाइजर तो आपको लगेगा ही, जिसका सिविल लाइन में बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो इस केस में आपको या तो एक इंजीनियर या सुपरवाइजर ये लगेगा, लेकिन इस केस में आपको कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपको लगने वाला है, यहाँ पे आपका पैसा जाएगा लेकिन आपका घर सही बनेगा, अच्छा बनेगा, मटेरियल सारा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इन लोग को उसके बारे में नॉलेज है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या देखें हम, कॉन्ट्रैक्टर से फायदा बहुत है, लेकिन फायदा होने के साथ साथ क्या आपको जो घर मिल रहा है वो सही मिल रहा है, ड्यूरेबल है, ज्यादा दिन चलेगा क्या, कैसा मटेरियल दिया, अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पता करोगे। इसलिए मैं तो बोलूंगा, जैसे अगर मैं इंजीनियर हूँ, एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं अपना घर मैं खुद ही बनवाऊंगा, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर को देके नहीं बनवाऊंगा, मैं डेली लेबर पे बनवाऊंगा, सारा मटेरियल मेरा रहेगा, मैं सुपरवाइज करूंगा उसको। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप एक इंजीनियर हायर करो, एक घर दो, अगर आप अपना घर बनाओगे तो कितना बड़ा बनाओगे, 2 तल्ला 3 तल्ला, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं बनाओगे ना, एक बंगलो टाइप का G+1 बनाओगे, G+2 बनाओगे, इसको बनाने में हार्डली 6 से 7 महीना लगेगा, अगर बहुत अच्छा से आप बनवाते हो तो 6 से 7 महीना इनफ, मोर देन इनफ, 6 से 7 महीना में एक आप सुपरवाइजर भी ले लो ना, महीना उसको दे दो आप 15,000, 10,000, 15,000 दे दोगे, आप 10,000 दे दोगे, अपना काम आके सिवा के देख जाएगा। ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, वो आपको मटेरियल के बारे में सारा नॉलेज देगा, सारा घर आपका एग्जीक्यूट करवा देगा, हमेशा तो उसको रहना नहीं है, जब जब जरूरत पड़ेगा उसको बुला लीजिएगा, तो खुद से बनवाइए घर, ज्यादा अच्छा बनेगा, जिसका थोड़ा आर्किटेक्चर व्यू अच्छा हो, घर देखने में अच्छा हो। प्लान आप क्या करवाइए, एक इंजीनियर से बनवा लीजिए, ये तो आप कीजिए, थोड़ा पैसा खर्च करके प्लान को, उसका अंदर का इंटीरियर सबको आप एक इंजीनियर से डिजाइन करवा लीजिए, कोशिश कीजिए कम में हो जाए,
ये करवा लीजिएगा ना, तो एक नॉर्मल सा आप सुपरवाइजर को भी रखकर अपने घर को अच्छा बनवा सकते हैं, क्वालिटी से तरफ से ही, ड्यूरेबिलिटी की तरफ से भी, हर तरफ से आपका घर अच्छा बनेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को दीजिएगा, आपका जो घर 10 लाख में खुद बन जाता, 10 लाख में अच्छा खासा बड़ा घर बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर आपका 25 से 30 लाख लेगा, मतलब तो सीधा 300%, ठीक है, सीधा आपका 2 गुना 3 गुना ले रहा है पैसा, तो क्यों हम उसको देने जाए। उसमें से हम क्या करेंगे, 30% 40% आप रिजर्व रखिए इंजीनियर को, जो प्लान बनवाइएगा उसके ऊपर, और जो सुपरवाइजर को रखिएगा उसको देने के लिए। घर भी आपके मन मुताबिक बनेगा, अच्छा बनेगा और मजबूत बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप जाइए तो डेली लेबर पे जाइए, लेकिन आपके पास नॉलेज है तो सब चीज ध्यान रखिएगा, टेक्निकल नॉलेज है तो, नहीं है तो आप इंजीनियर अपॉइंट कर लीजिए, ठीक है। इंजीनियर अपॉइंट करने का आप काम मत दिखवाइए, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा वो, तो आप एक सुपरवाइजर रखवा लीजिए पार्ट टाइम के लिए जो आपको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आपके पास टेंशन नहीं है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, फेवर में हूँ अगर वो अच्छा काम करके देते हैं तो, उनका नाम मार्केट में अच्छा है तो जाइए आप, जरूर जाइए। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो बजटिंग होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सब फाइनलाइजेशन होता है, तो आपसे पूछता है कि आप ये चीज, आप जैसे इलेक्ट्रिकल का स्विच लगवाएंगे तो आप किसका लगवाएंगे, कौन से कंपनी का, एंकर का, सीमेंस का, किसका, तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सीपी फिटिंग्स अगर आप लगवा रहे हो बाथरूम में, तो कौन सा लगवाओगे, ये भी आपके ऊपर वो छोड़ देता है कि मेरे पास ये ऑप्शन है, जगुआर बहुत सारा है, ये सब है, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो कम मार्जिन प्रॉफिट रख के आपको देते हैं अच्छा घर, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन एक क्या है कि उसके संग उनके संग अगर पैसा से खरीद रहे हो तो ठीक है। बहुत कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है कि आपका जमीन है, घर बना रहा है, 2 फ्लोर वो रखेगा, 2 फ्लोर आपको देगा, तो ऐसा क्यों, आपका जमीन है ना, तो आप अपना घर पूरा बनवाओ, आप खुद रहो, तो डेली लेबर में जाओ तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। कंडीशन है बहुत सारा बॉस, वो सब कंडीशन आप देख लो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया है तो शेयर लाइक किए बिना मत जाइएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, क्यों क्यों भागना उससे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।